Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, माफी चाहूंगा, और साथ ही साथ आपको जो है 24/7 व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। और आप 40% डिस्काउंट पे आप हमारे पास से नोट्स खरीद सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है, और उसके बाद ये जो ज्वाइन का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक इंटरफेस नजर आएगा, आपको बीकॉम के ऊपर जाना है, और ये छोटा सा अमाउंट सा एक है जो कि जिसको आपको पेमेंट करके आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ले सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, नीचे की तरफ में ये जो ब्लू कलर का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक है, आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं चाहूंगा कि आप जब भी स्टडी करें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में ढेर सारी आपको वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पे आकर के आप एक तरीके से रेगुलर बेसिस पे आप जब भी चाहें आप अपने प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके, सुन करके, पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं कंसोलिडेटेड, इनका मतलब क्या होता है ना। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि जब दो तीन चीजों को हम एक ही जगह शो करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस को, ट्रेडिंग को और पीएल को हम लोगों ने एक जगह कर दिया, या फिर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को और इस साल के प्रॉफिट का जो जो फंड एनालिसिस या फिर जो कैश फ्लो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसको सपोज हम लोगों ने साथ में कर दिया, तो वो हमारा कंसोलिडेटेड कहलाएगा, है ना। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कंसोलिडेटेड है ना, जो कि जुड़ा हुआ है बहुत सारे स्टेटमेंट्स के साथ। जैसे कि एग्जांपल में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, या ग्रीन वुड बी ग्रेट आई गेस। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी फॉर द ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, है ना, फॉर द ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय इट। These financial statements represent the financial information about the holding company and its subsidiaries as the separate entities. These statements highlight the following. तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी की बात नहीं हो रही है, एक होल्डिंग कंपनी प्लस उसके अंदर में जितने भी सारे enterprises हैं, ग्रुप ऑफ enterprises हैं, उन सब का डेटा एक ही जगह पे रखने की बात हो रही है। सारे की सारी financial information जो भी है वो होल्डिंग कंपनी की, साथ ही साथ उसकी सब्सिडियरी कंपनीज की, सबको एक जगह पे रखने की बात हो रही है। तो जब एक जगह पे सारी चीजों को लेकर के आते हो तो फिर आप उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हो। अब कौन कौन सी चीजें इसमें बनाई जाती है, इसमें बनाया जाता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस। ये ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस के बाद कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, द ऑब्लिगेशंस ऑफ द ग्रुप, ग्रुप को कौन कौन से ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय द ग्रुप विद इट्स रिसोर्सेज। अभी तक ग्रुप ने कौन कौन सी चीजें जो है अचीव करके रखी हुई है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी होती है। द एंटरप्राइजेस दैट प्रेजेंट्स अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड बाय द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि है ICAI, व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम ऑन और आफ्टर 1/4/2001, है ना। तो जो बात बोला गया कि जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको इसको एक रूल के तहत बनाना पड़ेगा, वो रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का, जिसके अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बोली गई हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो है बनाना है। और ये जो हमारा जो कानून है वो आया था 1/4/2001 को, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी आपको पता रखना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द होल्डिंग कंपनी विच प्रेजेंट कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट दीज स्टेटमेंट इन एडिशन टू द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो जो भी कंसोलिडेटेड आप बनाते हो उसके साथ आपको जो ओरिजिनल होगा, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो भी आपको देना पड़ता है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, साथ ही साथ आप कंसोलिडेटेड भी साथ में दोगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला है यूनिफाइड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पे सारी चीजों का जानकारी जो है एक ही जगह पे होती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही हो गया कि ये एक ऐसा यूनिफाइड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जहां पे सारी जानकारियां एक ही जगह पे है ना। तो आपको एक तरीके से ओवरऑल कंपनी को चेक करने में आपको आसानी होगी। सो द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्ट एज एन यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंट्स द अल्टीमेट पिक्चर टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना।
एक तरीके से पूरी कहानी जो है अल्टीमेट जो पिक्चर है वो यूजर्स को दिखाता है जो भी फाइनल स्टेटमेंट्स को रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज की जानकारी या फिर एक प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उनको ओवरऑल पूरी की पूरी कंपनी की जानकारी उनको इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से मिलती है. राइट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ द कंपनीज मेंटेन द सेपरेट एंटिटीज, बट इट इज डिजायरेबल दैट अ सिंगल बैलेंस शीट एंड सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रेजेंटेड फॉर द ग्रुप एज ए होल थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स. है ना, तो जैसा कि देखा जा रहा है कि कंपनीज जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग एंटिटीज है, बट ये ना उम्मीद रखी जाती है, फिर ये डिजायरेबल होता है कि जो बैलेंस शीट और जो सिंगल जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको सिंगल अकाउंट में दिखाने की कोशिश की जाए, एक ही जगह पे दिखाने की कोशिश की जाए, ताकि आप जज कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट. है ना, दूसरा पॉइंट है एसर्टेनमेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी. तो सब्सिडियरी जो भी आपका कंपनी होगा उसमें आपने जो भी यू नो इन्वेस्टमेंट करा है उसके ऊपर आपको रिटर्न कैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, अगर कम मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, आप ये चीजें जो है पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आई मीन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. है ना, वहां से आप निकाल सकते हो कि आपको रिटर्न कितना मिला है. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन द रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडियरी एंड द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो कैसे निकाला जाता है रिटर्न इन्वेस्टमेंट, आप दो तरीके से निकाल सकते हो, मतलब दो ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं. एक तो आप टोटल शेयर देख लो होल्डिंग कंपनी का कि आपका रेवेन्यू प्रॉफिट में आपका कितना शेयर है, दूसरा है यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के थ्रू वो. तो दो तरीके से, एक तरीके से यहाँ पे निकाला जा रहा है एसर्टेनमेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी. ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी. तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी मेजर करने के लिए भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, मतलब आपके पास कैश कितना बचा हुआ है, टोटल कैश आपके पास कितना है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द होल्डिंग कंपनी एज वेल एज द एंटरप्राइजेस अंडर इट्स कंट्रोल. है ना, तो ये जो एक तरीके से लिक्विडिटी आपको बताता है आपकी होल्डिंग कंपनी के साथ ही साथ जो एंटरप्राइजेस के अंडर में काम कर रही होती है उनके बारे में भी लिक्विडिटी जो वैल्यू है, जो नंबर है वो आपको बताता है. मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, तो ओवरऑल ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपका ओवरऑल एफिशिएंसी बताता है कि आपकी होल्डिंग कंपनी किस तरीके से काम कर रही है ना, एज ए होल वो किस तरीके से काम कर रही है. द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द होल्डिंग कंपनी एज ए होल. है ना, होल्डिंग कंपनी हो गया उसके अंदर बहुत सारी इंटरप्राइजेज हैं, तो उन सबका काम अगर आपको एक ही जगह चेक करना रहे कि ओवरऑल कंपनी कैसे काम कर रही है तो आपको इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी. है ना, द स्टेटमेंट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी एंड टेक देयर डिसीजंस अकॉर्डिंगली. है ना, तो ये एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये इन्वेस्टर्स को एक तरीके से हेल्प करते हैं कि वो अपना डिसीजन बना सकें, अपना यू नो जज कर सकें कंपनी को कि कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है, और वो अपने डिसीजंस जो है वो भी इसी के बेसिस पे वो लोग लेते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, एसर्टेनमेंट ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स. The consolidated financial statement of the holding company are necessary to ascertain the intrinsic value of the shares of the company. है ना, तो एक तरीके से जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है शेयर्स की वो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे निकाल सकते हो. तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से होल्डिंग कंपनी के लिए वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो उस कंपनी के. सो दैट इज वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी. है ना, तो ये मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में और इसके यू नो मेरिट डीमेरिट्स के बारे में. सो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे चूंकि आपने बहुत सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी जो होती है वो इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने के लिए, उनको गलत जानकारी देने के लिए भी एक तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देती है. इफ द एक्टिविटीज ऑफ द सब्सिडरी कंपनी डू नॉट मैच विद द अदर कंपनीज ऑफ द ग्रुप इट मिसलीड्स द इन्वेस्टर्स इन टेकिंग द डिसीजन. है ना, तो सपोज कोई एक सब्सिडरी कंपनी अच्छा कर रही है बाकी चार सब्सिडरी कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट निकला उसमें तो पता चला कि भाई कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है क्योंकि होल्डिंग कंपनी उसमें इंक्लूडेड है. आपको एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में सब्सिडरी के बारे में आपको पता नहीं चल पाया तो आप एक तरीके से मिसलीड हो जाओगे ना कि पूरी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी कंपनी का सिर्फ एक यूनिट अच्छा काम कर रहा है बाकी सारे यूनिट्स बेकार पड़े हुए निठल्ले पड़े हुए. है ना, तो ये एक तरीके से ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के रूप में भी काम किया जा सकता है, लाइक एक तरीके से हो जाता है. Concealment of important information. So when the financial statements of the companies in the group are aggregated, sometimes the important information is concealed from the investors. है ना? तो जब आप financial statements दिखाने की कोशिश करते हो company को aggregate way में, you know, overall, तो sometimes ऐसा होता है कि आप investors से बहुत सारी चीजें conceal कर लेते हो, छुपा लेते हो. तो वो भी एक तरीके से company के लिए या फिर उस investor के लिए अच्छा नहीं होता. So these are the two disadvantages. And apart from these two disadvantages, we have, you know, covered five advantages as well
आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहां पे मैंने आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और उसके फायदे और नुकसान दोनों मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।